आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इन्फो इन हिंदी में और मैं हूं अनीस। मैं आपसे बात करने वाला हूं हमारे जो सेंसर सीरीज का वीडियो है उसका 7 नंबर जो वीडियो है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो इसका नाम है थर्मोमीटर सेंसर। तो ये जो थर्मोमीटर सेंसर है इसके बारे में डिस्कस करूंगा, ये कैसे काम करता है, एक फोन में कैसे होता है और हमारे लिए ये कैसे यूजफुल होता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर के नाम से पहले हम क्या जानते हैं कि ये टेम्परेचर नापने का कोई मशीन या फिर कुछ है जो कि टेम्परेचर नापता है। जैसे कि हम बुखार में थर्मोमीटर का यूज करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए कितना टेम्परेचर हुआ, वैसे ही फोन में वह हर एक फोन में लगा रहता है टेम्परेचर नापने के लिए एक थर्मोमीटर, जिससे आपका जो फोन है उसका जो हीटिंग मतलब कितना हीट होता है वो काम करके। मान लीजिए बहुत सारे एप्स आप चलाते हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं अपने फोन में तो फोन बहुत हीट हो जाता है, तो वो जो हीट होता है वो थर्मोमीटर जो लगा होता है आपके फोन में वो बता देता है आपको फोन को कि फोन बहुत हीट हो चुका है, तो वो अपने काम को स्लो कर देता है जिससे कि वो जो हीट जो हो चुका है फोन बहुत हीट हो चुका है उसको कम करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बता देता है फोन को और फोन उस हिसाब से उसको स्लो कर देता है। तो इस हिसाब से थर्मोमीटर एक फोन में काम करता है। फ्रेंड्स तो आप जान गए होंगे थर्मोमीटर जो फोन में लगा होता है वो कैसे काम करता है। अब मैं इसका अदर यूसेज भी बता देता हूँ। बहुत सारे फोन में, सैमसंग के बहुत सारे फोन में आपको, जैसे कि एस सीरीज का जो फोन था सैमसंग का, उसमें एक्सटर्नल थर्मोमीटर दिया गया था। जो नॉर्मल थर्मोमीटर रहता है उससे अलग एक एक्सटर्नल थर्मोमीटर भी दिया जाता है। तो उस फोन में एस सीरीज का जो फोन है उसमें दिया गया था, उसमें क्या होता था बाहर का जो टेम्परेचर है उसको वो थर्मोमीटर नाप पाता था, तो उस हिसाब से वो फोन को बता पाता था और आपको आउटपुट दे पाता था कि मतलब आपका जो बाहर का माहौल है उसमें कितना टेम्परेचर में आप हैं। तो ये सब होता है टेम्परेचर मापने का जो मशीन है वो थर्मोमीटर वो काम करता है आपके फोन में। तो फ्रेंड्स आप जान गए होंगे बहुत कुछ थर्मोमीटर के बारे में इस वीडियो को देखकर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए।